तो पिछले वाला वीडियो में हमने जो है आउटलाइन क्रिएट किया था ग्रीनलाइन के थ्रू। जो भी वीडियो देखो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो यहाँ पर कैसे मैं सेटिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो पिक दिया हूँ तो उसको आप लोगों को ब्लैक एंड रेड कर देना है सेचुरेशन कम करके। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो मैं जो पेंसिल यूज करने वाला हूँ आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर स्किन टोन एरिया के लिए गाइस जो नोटर के जी पेंसिल आता है ये वाला पेंसिल, इसका यूज करने वाला हूँ फर्स्ट लेयर देने के लिए। उसके बाद गाइस सेकंड लेयर और मिड टोन देने के लिए फोरवे पेंसिल जो डोम्स का आता है इसका यूज करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस डार्कर एरिया के लिए जो है टेनी पेंसिल आर्टलैंड का इसका यूज करने वाला हूँ। और हेयर पार्ट के लिए और जहाँ हेयर पार्ट और जो बाकी जो एस्टिमेटेड डार्क पार्ट के लिए वहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ जो चारकोल पेंसिल आता है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कैमलिन का, तो ये वाला जो पेंसिल है इसका यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे पेंसिल यूज करने वाला, और यहाँ पर हाईलाइट के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर आता है इसका यूज करने वाला हूँ। और ब्लेंड वगैरह करने के लिए जो ब्लेंड जो ब्रश है इसका यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल यूज करने वाला हूँ। थोड़ी बहुत मैं आगे जो है कॉटन बोर्ड भी यूज करूंगा, देख के जहाँ पर लगेगा तो वहाँ पर मैं कॉटन बोर्ड भी आगे यूज करने वाला हूँ। तो ये कुछ मटेरियल है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। तो आप लोग पहले जो आउटलाइन है इसकी जो है ग्रिड को इरेज कर देने, यहाँ पर मैं ग्रिड को इरेज कर दिया हूँ। और थोड़ी सी जो आउटलाइन को थोड़ी सी आप लोग को लाइट कर देने। आप यहाँ पर जो रिडेबल इरेजर आता है इसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो जो नॉर्मल इरेजर आता है उसका भी यूज करके जो है यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कर सकते हो जो आउटलाइन है। उसके बाद आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो टेनी पेंसिल आउटलाइन का आता है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी डार्क लाइन वगैरह है उसको यहाँ पर मैं डार्क करने वाला हूँ। और जो आई वॉल आप देख रहे हो तो उसको यहाँ पर जो है ये वाला जो टेनी पेंसिल है डार्क पेंसिल यूज करके मैं डार्क करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस साइड में जो है मैं शेडिंग करने वाला हूँ। साइड में शेडिंग करने के लिए गाइस जो नटराज का जो एच बी पेंसिल आता है उसका यूज करके जो है मैं साइड में शेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो आई वॉल एरिया पे पूरी तरह से डार्क नहीं करना है, वहाँ पर जो व्हाइट एरिया होता है उसको भी छोड़ना है। और जो आई में जो थोड़ी सी व्हाइट एरिया है वहाँ पर भी छोड़ना है। और वहाँ पर जो है जो नटराज पेंसिल है उसका यूज थोड़ी बहुत आप लोगों को शेडिंग करना है। तो यहाँ पर ये वाला लेयर में गाइस जो नटराज जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ यहाँ पर बेस लेयर भी एक दे रहा हूँ। उसके बाद जो है जहाँ पर शेडिंग पड़ शेडो पड़ रहा है तो आई के नीचे देख रहे हो जहाँ पर भी जो इंकल हो रहा है जहाँ पर भी शेडो पड़ रहा है तो उस जगह पर जो है यहाँ पर मैं उसी पेंसिल के थ्रू ही मैं सेकंड लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड लेयर देने के बाद फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर देने के बाद यहाँ पर देखो शेडो एरिया देने के बाद तो अभी जो है ब्लेंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मेकअप ब्रश आता है जो नॉर्मल जो छोटा वाला मेकअप ब्रश आता है उसका यूज करके अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पर ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर आप कॉटन बॉडी भी यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टोमा के पास है तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी मैं फिर से डार्क करके यहाँ पर थोड़ी सी जो वैल्यू को ऑफ करके जो है यहाँ पर ब्लेंड किया। उसके बाद जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट देने के लिए जो टोमो का मोनो जीरो इरेजर आप देख रहे हो तो उसका यूज करके यहाँ पर जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देना बहुत ही जरूरी है, हाईलाइट दोगे तब जाके जो है रियलिस्टिक होगा। और जो भी छोटी बड़ी डिटेलिंग है उसका जो नोटराइज पेंसिल यूज की थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं डिटेलिंग वगैरह कर रहा हूँ जो भी छोटी डिटेलिंग पार्ट होता है। उसके बाद जिस तरह से फर्स्ट आई बनाता है उसी तरह से जो है यहाँ पर सेकंड आई को भी बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो है टेनी पेंसिल आउटलाइन का यूज करके जहाँ पर डार्क एरिया वहाँ पर डार्क जो डार्क लाइन वगैरह जो आईबॉल वगैरह वहाँ पर जो है यूज करने वाला हूँ। उसके बाद जो है आगे जिस तरह से फर्स्ट आई बनाया था जो नोटराइज पेंसिल उसका यूज करके जो है शेडिंग वगैरह करके लास्ट में ब्लेंड वगैरह करके हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। तो देखो सेकंड आई को किस तरह से बनाता हूँ। तो यहाँ पर दोनों आई को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी जो नोज पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस जो है आप लोग को क्या करना है, जो नोटा है जो पेंसिल आता है एजी पेंसिल उसका यूज करके पहले एक बेस लेयर देना है। उसके बाद गाइस जहाँ पर शेडो पड़ रहा है उसको ऑब्जर्व करके रेफरेंस अच्छी तरह से देख के वहाँ पर जो है शेडिंग करना है। तो इसी पेंसिल एक पेंसिल से जो है मैं सेकंड लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। और लास्ट में थोड़ी बहुत आप लोगों को जो है इसको ए वाला जो दोनों लेयर को ब्लेंड करने के बाद उसके बाद जो है आप जो है फोरी पेंसिल यूज करके जो है जो डोम्स का आता है उसका यूज करके जो है यहाँ पर एक लेयर दे सकते हो रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड लेयर देने के बाद यहाँ पर ब्लेंड करना ब्रश के थ्रू। यहाँ पर हम जो है कॉटन बॉडी भी यूज कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टोन यूज कर सकते हो, तो और भी जो और जो ब्लेंडिंग मटेरियल है उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो जो फोरी पेंसिल डोम्स का आता है उसका यूज किया जहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा डेप्थ है तो वहाँ पर मैं ऐड किया। और जो नोच एरिया पे जो नोस्टल एरिया पर वहाँ पर थोड़ी सी टेनी पेंसिल यूज की जो है यहाँ पर मैं डार्क किया। उसके बाद जो है यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, नहीं तो जो नोच है फ्लैट लगने वाला है तो हाईलाइट दो जो तब जाके जो नोच थोड़ी सी जो रियलिस्टिक लगेगा और जो बाहर निकली हुई होते हैं नोच और वो थोड़ी सी लगने वाला है, रियल लगने वाला है। तो उसके बाद जो भी छोटी बड़ी डिटेलिंग है वहाँ पर जो है मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ और हाईलाइट दे रहा हूँ जहाँ पर भी और ज़्यादा हाईलाइट लग रहा है। उसके बाद गाइस जो लिप पार्ट है उस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोसेस सेम रखना है, पहले जो है जो नटराज पेंसिल यूज करके आप लोगों को एक बेस लेयर क्रिएट करनी है। उसके बाद गाइस जहाँ पर शेडो एरिया उस एरिया को ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को शेडिंग और एक बार देनी है। तो रेफरेंस को अच्छी तरह से आप लोगों को स्टडी करना है, रेफरेंस फोटोग्राफ को आप लोगों को देखना है कहाँ पर लाइट है कहाँ पर डार्क है, अच्छे से ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को शेडिंग वगैरह करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड कर दिया उस लेयर को। उसके बाद जो है आगे जो टेनी पेंसिल है उसके थोड़ी सी डेप्थ जो लाइन है
जो दोनों लिम में जो लाइन होता है उसका दिया, उसको बनाया। उसके बाद जो है हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ टोमो का इरेजर यूज करके। आपके पास टोमो का इरेजर नहीं तो और अदर जो इरेजर होता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो है जो बाकी एरिया बच गया, जैसे कि फोरहेड एरिया, चीक एरिया, जो जो एरिया, उस एरिया पर जो है मैं एक पहले बेस लेयर दे रहा हूँ जो नटराज के पेंसिल का यूज करके, जो एजी पेंसिल यूज करके। उसके बाद जहाँ पर भी शेडो पड़ रहा है रेफरेंस को स्टडी करके उस एरिया पर जो है उसी पेंसिल थ्रू ही थोड़ी सी प्रेशर लगा के जो है फिर से एक लेयर दे रहा हूँ। जो भी उनके लिए आप देख सकते हो जो माथे पे जो है, तो उस एरिया पर भी जो है रेफरेंस स्टडी करके उसी तरह से यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आप लोगों को रेफरेंस अच्छी तरह स्टडी करना है। तो अभी जो है पूरी पेंसिल जो टोम्स का आता है उसका यूज करके और एक लेयर दे रहा हूँ जहाँ पर भी और लगेगा। उसके बाद तो जो है यहाँ पर ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंड आप लोगों को अच्छी तरह से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज करना है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से जो है ब्रश का यूज करके, जो मेकअप ब्रश आता है उसका यूज करके आप लोगों को ब्लेंड करना है। आपके पास मेकअप ब्रश नहीं तो जो नॉर्मल जो फ्लैट ब्रश आता है उसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो कॉटन बोर्ड आता है उसका यूज करते हो, नहीं तो जो ब्लेंडिंग स्टोन आता है उसका भी यहाँ पर यूज करके जो है यहाँ पर ब्लेंड वगैरह कर सकते हो, नहीं तो टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर देखो जो कॉटन बोर्ड है उसका भी यूज जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। अच्छी तरह से आप लोगों को ब्लेंडिंग वगैरह कर देनी है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में अभी हाईलाइट देने वाला हूँ। हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर आप देख रहे हो, तो इसका जो है यहाँ पर जहाँ पर हाईलाइट एरिया है तो उस एरिया पर जो है मैं हाईलाइट देते जा रहा हूँ, और जो भी छोटी बहुत ड्रिलिंग वगैरह होगा यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी जो ईयर पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम रहेगा, जो मेथड है सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी जो एजी पेंसिल है जो नोटेज है उसके, क्योंकि यहाँ पर मैं शेडिंग वगैरह कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर दे रहा हूँ, और जहाँ पर डेप्थ रहेगा तो वहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो डोम्स का जो फोरी पेंसिल आता है उसका यूज करके जो यहाँ पर मैं शेडिंग वगैरह करने वाला हूँ। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके लास्ट में यहाँ पर मैं हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ। तो उसी तरह से जो है जो दोनों ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो है हेयर पार्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हेयर पार्ट है इसको बनाने के लिए जो चारकोल पाउडर रहता है उसका यूज करके पहले एक बेस लेयर देने वाला हूँ। चारकोल पेंसिल जो है हेयर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ग्राफाइट में यूज करो तो आप ग्राफाइट पेपर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, आप लोग को ब्रश की मदद से जो है चारकोल पाउडर लेके यहाँ पर हेयर क्रिएशन को फॉलो करते हुए आप लोगों को एक बेस लेयर क्रिएट कर देनी है। उसके बाद आगे जो है चारकोल जो है पेंसिल यूज करके जो है हेयर को डायरेक्शन में फॉलो करते हुए आप लोग को हेयर को ड्रॉ करनी है। तो अच्छी तरह से जो है आप लोग को यहाँ पर जो है जहाँ पर भी हेयर पार्ट है उस एरिया पर जो है आप लोग को चारकोल पाउडर को जो है चारकोल पाउडर यूज करके बेस लेयर दे देनी है। तो यहाँ पर आप फ्लैट ब्रश यूज करके भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप चारकोल पाउडर यूज नहीं करो तो डायरेक्ट जो है लेयर बाय लेयर आप लोग को यहाँ पर हेयर ड्रॉ करनी है। तो अभी जो है जो केमिकल जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल आता है उसका यहाँ पर यूज करो। तो रेफरेंस को स्टडी करने पहले आप लोगों को हेयर क्रिएशन में देखना है, एक एक हेयर क्रिएशन में देखते हुए एक एक हेयर को आप लोगों को ड्रॉ करते जाना है। हेयर की फ्लो जरूरी है गाइस, आप ऐसे ही आप हेयर ड्रॉ करते हो तो जो है हेयर अच्छी तरह से जो है विजिबल नहीं होगा और अच्छी तरह से रियलिस्टिक नहीं लगने वाला है। तो इसलिए आप लोग हेयर क्रिएशन में फॉलो करते हुए एक एक हेयर को ड्रॉ करना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट लेयर में जो है आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो ब्रश जो मेकअप ब्रश आता है उसके जो है आप लोग को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद लास्ट में जो है आप लोगों को हाईलाइट ऐड करना है। हाईलाइट ऐड करने के लिए गाइस यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर आता है उसका यूज करके जो है आप लोगों को हाईलाइट ऐड करना है। रेफरेंस में जहाँ पर भी हाईलाइटेड हेयर होता है तो उसको देखते हुए जो है आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से पहले जो है मैं हेयर को ड्रॉ करता हूँ एक एक हेयर को डायरेक्शन में देखते हुए, तो इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ करते जाना है। तो देखो यहाँ पर हेयर बनाने के बाद अभी जो है हाईलाइट दे रहा हूँ टोमो का मोनो जीरो इरेजर यूज करके। तो आप लोग रेफरेंस अच्छी तरह स्टडी करके जो है आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट देना है। हाईलाइट ऐड करने के बाद गाइस जो छोटे मोटे जो बिखरे हुए हेयर होते हैं उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, जो नोटर या पेंसिल एजी पेंसिल उसको उसका यूज करके।
तो अभी जो है नीचे की जो पार्ट है, जैसे कि जो नेक पार्ट है और जो कोट पार्ट आप देख रहे हो, तो उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले जो नेक पार्ट है उस एरिया को बना रहा हूँ, जो स्किन टोन पार्ट है, तो वहाँ पर भी जो है प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर पहले जो नोटा जो एजी पेंसिल है उसके बेस लेयर दे रहा हूँ, और जहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग है वहाँ पर भी शेडिंग एड कर रहा हूँ। उसके बाद जो फ्री पेंसिल आता है जो डोम्स का, उसका यूज कर रहा हूँ तो इसे डेप्थ एड करने के लिए। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके गाइस, और जहाँ पर भी डेप्थ एरिया है वहाँ पर जो है टेनी पेंसिल यूज कर, जो आउटलाइन का उसका भी थोड़ी सी डेप्थ एड कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर ब्लेंड वगैरह करके जो है थोड़ी बहुत जो भी हाईलाइट वगैरह है उसको यहाँ पर एड कर रहा हूँ टोमो का मोनो जीरो इरेजर यूज करके। आपके पास टोमो का इरेजर नहीं तो आप जो है ऑल्टरनेट यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल इरेजर है उसका भी यूज करते हो, नहीं तो जो डोम्स का भी 20 or 25 rupees जो इरेजर रहता है उसका भी यूज कर, जो यहाँ पर हाईलाइट वगैरह दे सकते हो। अभी पहले जो कोट पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ, जो है फाइनल पार्ट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर तो वहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर रेफरेंस स्टडी करते हुए जहाँ पर लाइट शेड हो उसको ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है ज़्यादातर टेनी पेंसिल यूज करने वाला हूँ, जहाँ पर क्योंकि गाइस थोड़ी सी डार्क हो रही है तो वहाँ पर जो है टेनी पेंसिल ज़्यादातर यूज करने वाला हूँ, नहीं तो जो है जो फोरी पेंसिल है उसका यूज बेस लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत उसके यूज करके भी यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर थोड़ी सी डेप्थ, जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो रही है उस एरिया पर जो है टेनी पेंसिल यूज करके थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ। तो रेफरेंस स्टडी करना है जहाँ पर जो पार्ट है उसको देखते हुए यहाँ पर शेडिंग वगैरह करके लास्ट में जो है ब्लेंड वगैरह करके लास्ट में हाईलाइट देना है। तो देखो किस तरह से यहाँ पर मैं कोट पार्ट को बना रहा हूँ। तो और इस चीज़ बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट बनने के बाद जो है जो ड्रॉइंग है मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो ड्रॉइंग किस तरह से लगेगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना। तो बहुत देरी हो गई गाइस, मेरा थोड़ी जो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था और थोड़ी सी जो है एग्जाम भी टेंशन है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं जो है काम नहीं कर पा रहा हूँ बहुत दिन हो गया। तो ड्राइंग किस तरह जरूर नीचे कमेंट करना गाइस, इसको ड्रॉ करके मेरे को भेज दो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो देखो किस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ।